हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ आरसीसी। ये हमारा टीवीएम का सेकंड क्वेश्चन है। थ्योरी हम देख चुके हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग टी बीम हैविंग द फॉलोइंग डाटा। हमें बीएफ के बारे में दे रखा है, डी वी डब्ल्यू डी एफ एम 25 कॉन्क्रीट है, जो एरिया है स्टील का वो दे रखा है, एंड माइल्ड स्टील है ये बता रखा है। नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि हमारा केस कौन सा बन रहा है, फर्स्ट वाला केस है, सेकेंड केस है या थर्ड केस है। केस पता होने के बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, जैसे अभी तक क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही। एक्स यू निकालेंगे, देन एक्स यू लिमिट निकालेंगे, देन दोनों को कंपेयर करेंगे, एंड देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। यही जो चार स्टेप्स हैं इन्हीं को करना होगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें डाटा दे रखा है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, एंड हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। एज वी नो क्रॉस सेक्शन जरूर बनाएंगे, देन क्रॉस सेक्शन के लिए जो स्ट्रेस डायग्राम है वो भी बनाएंगे। अभी हमें पता नहीं है कि किस तरह से स्ट्रेस डायग्राम बनेंगे, क्योंकि कौन सा केस है ये नहीं पता। पहले केस पता कर लेते हैं, देन स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। हमें 5 बार्स दे रखे हैं 20 mm डायमीटर के, तो ए एस टी फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 1570 mm स्क्वायर। नाउ पहला स्टेप, लेट करते हैं कि जो हमारी न्यूट्रल एक्सेस है वो इस फ्लेंज में लाई कर रही है। ठीक है, फ्लेंज में लाई कर रही है, तो इसके ऊपर वाला जो ऊपर वाला हमारा ये है, ये हमारा कंप्रेशन जोन हो जाएगा, नीचे वाला टेंशन जोन हो जाएगा। तो ईजिली हम लिख सकते हैं, एंड ये देखिए हमारा रेक्टेंगुलर वाला ही तो केस बन रहा है, तो ईजिली हम इसके लिए लिख सकते हैं सी इंटू टी लिख सकते हैं। एंड हमें रेक्टेंगुलर के केस में सी कैसे निकालते हैं वो पता है, टी निकालना तो बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेस हमें पता है, एरिया पता है, तो वो ईजिली आ जाएगा। तो इससे हमारा जो एक्स यू आ रहा है वो आ रहा है 85.5 mm, बट हमारा जो डी एफ दे रखा है वो तो 80 दे रखा है। ये तो हमारा 80 है, बट न्यूट्रल एक्सेस हमारी 85.5 है, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सेस फ्लेंज में लाई नहीं कर रही है, ये कहीं यहाँ पे लाई कर रही होगी, वेब में लाई कर रही। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला केस है वो तो नहीं हो रहा। अब हमें सेकेंड या थर्ड वाले में से देखना कौन सा केस है। सिंस एक्स यू हमारा डी एफ से बड़ा है, हेंस जो न्यूट्रल एक्सेस फॉल्स आउटसाइड द फ्लेंज, आउटसाइड द फ्लेंज न्यूट्रल एक्सेस लाई कर रही होगी। नाउ स्ट्रेस डायग्राम में जो वो कांस्टेंट स्ट्रेस वाला होता है, हमें पता है स्ट्रेस डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से इस केस में बनता है। तो ये जो कांस्टेंट वाला एरिया, कांस्टेंट वाली डेप्थ होती कितनी होती है, 3/7 एक्स यू। तो देखते हैं ये जो 3/7 एक्स यू है क्या वो फ्लेंज में लाई कर रहा है या वेब में लाई कर रहा है। 3/7 एक्स यू, यहाँ पे एक्स यू की वैल्यू जो हमारी है वो हमने पुट करके देखा, तो हमारी 36.64 आ रहा है। देखिए हमारा डी एफ कितना था, 80 था, तो 80 से कम आ रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सा केस बन रहा है, ये सेकेंड वाला केस बन रहा है। सिंस हमारा 3/7 एक्स यू डी एफ से छोटा है, इसलिए सेकेंड केस बन रहा है। ये केसेस हम थ्योरी में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। सो हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। देखिए ये हमारी वो वाली लाइन है जहाँ तक ये कांस्टेंट है, 3/7 एक्स यू है, एंड न्यूट्रल एक्सेस हमारी यहाँ पे कहीं वेब में लाई कर रही होगी, एंड यहाँ पे ये हमने टेंशन जो हमारी स्टील है उसके लिए बनाया है। नाउ सिंस हमें पता चल गया है सेकेंड केस है, तो अब हम इसके लिए एक्स यू निकालेंगे, देन एक्स यू लिमिट निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, एंड देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। नाउ टी बीम को ऐसे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, हमें पता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो ये वाला इतना ये हम अलग करेंगे एंड इधर वाला अलग करेंगे, एंड हमें ये पता है कि जो हमारा ये 3/7 है वो इसमें लाई कर रहा, लेकिन 3/7 नहीं लेते हैं तो वाई एफ लेते हैं, तो ये जो वाई एफ वाला है वो लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वी डब्ल्यू, एंड जो उसकी डेप्थ पूरी वही रहेगी जो यहाँ पे थी, एंड यहाँ पे ये हमने जो इस वाले पार्ट एंड इस वाले पार्ट को रखा है, तो ये टोटल कितना था हमारा वी एफ था, उसमें से अगर हम ये वी डब्ल्यू माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, एंड वाई एफ हमारी क्या हो जाएगी, डेप्थ। वाई एफ का फॉर्मूला हमें पता है ना, हमें पता है न्यूट्रल एक्सिस हमारी कहीं यहाँ लाई कर रही है, वेब में लाई कर रही है, तो ये सारा हमारा कंप्रेशन जोन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है, तो कंप्रेशन जोन में ये एरिया आएगा एंड ये आएगा, तो एक बार इसके लिए कंप्रेसिव फोर्स लिखेंगे एंड एक बार इसके लिए, एंड दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसका तो केस बिल्कुल रेक्टेंगुलर वाला ही केस हो जाएगा जो रेक्टेंगुलर बीम में होता है। एंड अगर इस वाले के लिए बात करें कंप्रेसिव फोर्स लिखना है, तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस इसके लिए हमें पता है 0.45 FCK या 0.446 FCK, एंड एरिया की बात करें तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगी, इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, तो वो तो हमें पता है स्ट्रेस इंटू एरिया, जैसे रेक्टेंगुलर केस में होता था वैसे यहाँ पे हो जाएगा। वाई एफ की वैल्यू हमें पता है, वाई एफ की वैल्यू क्या होती है, कोड में दे रखी है 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ। नाउ सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड एक्स यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
एक्सयू की वैल्यू कितनी आ रही है, 93.19 mm आ रही है। ये एक्सयू आ गई तो एक्सयू लिमिट फाइंड कर लेंगे, एक्सयू मैक्स फाइंड कर लेंगे। हमें पता है माइल्ड स्टील है तो उसके केस में क्या होता है, 0.531 D। चाहे तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो एक्सयू मैक्स की वैल्यू हमारी कहाँ कितनी आ रही है, 212.4 mm, मीन्स 212.4 mm। अगर कंपेयर करें तो एक्सयू मैक्स ज़्यादा है, एक्सयू कम है, मीन्स हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है देन ओके है हमारे लिए, हमारे तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन पसंद नहीं है। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में देखिए फोर्स तो हमें पता है, बस हमें लीवर आर्म देखनी होगी। तो इस केस में ये पहला वाला केस है जो हमने इधर वाला ये वाला जो केस था इसके लिए ये स्ट्रेस डायग्राम हमारा। तो इसके लिए तो हमें लीवर आर्म पता है, डी माइनस 0.42 एक्सयू है, बिल्कुल वही क्योंकि केस है हमारे रेक्टेंगुलर वाला तो वही हो जाएगा। इसके लिए हमें लीवर आर्म देखनी होगी। देखिए यहाँ पे कहीं कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी होगी। टोटल हमारी ये यहाँ से यहाँ तक डी है, इसमें से ये देखिए ये अगर वाई एफ है तो वाई एफ का हाफ अगर माइनस कर दें, मीन्स डी माइनस वाई एफ अपॉन टू कर दें, तो ये हमारी लीवर आर्म आ जाएगी। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड हमें हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आप एक बार थ्योरी देख लेंगे एंड रेक्टेंगुलर का केस आपको आता होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू।